पार्टी है, मैं पीछे से ही देख रहा था यार, काफी बड़े बड़े बोल सकते हो या फिर शादी हो रहा ऐसा बोल सकते हो, बट नाइट का टाइम है ना, अगर सुबह का टाइमिंग रहता ना गाइस तो अपन उतर के आप सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे, और अच्छे होगे तो भाई अच्छे तरीके से इन्जॉय कर रहे होगे आज का दिन। सो गाइस जैसा कि देख सकते हो, मैं अभी करोल बाग से अपना घर जा रहा हूँ दिल्ली में अक्षरधाम। सो गाइस यहाँ का सीन मेरे को कुछ ऐसा भी लग रहा था ना, आगे से पीछे से ही शादी का माहौल लग रहा था, और फिर आगे शायद शादी का ऐसा पार्टी वार्टी चल रहा है गाइस। सो फाइनली गाइस यहाँ पे पार्टी है, मैं पीछे से ही देख रहा था यार, काफ़ी बड़े बड़े गाड़ियाँ यार, काफ़ी अच्छे अच्छे काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग इधर क्रॉस कर रहे थे, तो मेरे को लग रहा था कोई शादी वादी है। और फाइनली गाइस देख लो यार, यहाँ पे सच में कोई मैरिज एनिवर्सरी चल रही है, एनिवर्सरी बोल सकते हो या फिर शादी हो रहा ऐसा बोल सकते हो, बट एनिवर्सरी तो शादी होने के बाद होता है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे शादी हो रहा है फिर यहाँ पे पार्टी चल रहा है, क्योंकि देखो जितना भी गाड़ियाँ हैं ना सारा काफ़ी कॉस्टली गाड़ियाँ हैं गाइस, तो मेरे को लग रहा है यार आखिर शादी ही होगा और फिर काफी बड़े पार्टी लोग का शादी होगा, इसी कारण से तो गाइस इतना मस्त मस्त गाड़ियां है। सो फाइनली गाइस अभी अपन लोग गाइस वहां शादी से निकलने के बाद अभी आ गया है, तो यहां पे देखो गाइस इंडिया गेट, जो कि काफी ज्यादा नाइट का टाइम है ना, अगर सुबह का टाइमिंग रहता ना गाइस तो अपन लोग उतर के आपको गाइस दिखाते हैं इंडिया गेट का व्यू, जो कि मैं अभी उतर के नहीं दिखा पा रहा क्योंकि अभी इंडिया गेट की तरफ लॉक हो चुका है, यहां पे उतरने से भी कोई फायदा नहीं है, तो बाहर से ही देख लो गाइस काफी अच्छा सा सीन लग रहा है, देख लो यार इंडिया गेट भाई, अपना तिरंगा का कलर है यार, कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पे ना अगर दिल्ली में रह रहे हो ना सारे लोग, तो यार एक बार इंडिया गेट आके मैं रिकमेंड करूँगा स्पेशली कि आओ यार इंडिया गेट घूमो, और फिर इधर का भी नज़ारा देख लो यार, खुद में यार काफ़ी ओसम सा फीलिंग्स दिलाता है। अगर यहाँ पे आओगे ना तो जो तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आएगी ना गाइस, वो एक्साइटमेंट होती है ना, मतलब वो जो अंदर से होती है ना वो बयां नहीं कर सकते हो गाइस। तो चलो भी अपन लोग आगे जाते हैं और फिर आगे का व्यू दिखाते हैं गाइस। सो फाइनली गाइस अभी अपन लोग एक टनल की ओर आ चुके हैं, तो चलो आज का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन होता है स्टार्ट। सो गाइस ये टनल कहाँ का है भाई, मतलब दिल्ली का ही टनल होगा, बट दिल्ली में कहाँ का टनल है, कौन सा लोकेशन पे ये टनल है ना, ये मेरे को बताना। और फिर ये टनल कितना लंबा है ना, ये तुम खुद सोच के बता सकते हो गाइस, मैं 60-80 का स्पीड हूँ, 60-70 का स्पीड में हूँ, तो इसका स्पीड मतलब सोच लो यार, मैं इतना काफ़ी टाइम से मैं चल रहा हूँ, तो गाइस इसका कितना किलोमीटर का ये टनल होगा ना, ये भी कमेंट करके बताना। और फिर गाइज मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो एग्जॉस्ट भी लगा हुआ, क्योंकि टनल है यार, तो टनल में एग्जॉस्ट तो जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए, अंदर का जो भी गैस वैस होता है ना वो बाहर निकालने के लिए। तो गाइज टनल काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, दोनों तरफ देख लो यार, मतलब जो दोनों का आर्ट है ना दोनों तरफ का गाइज, मतलब काफी ज्यादा ओसम लग रहा है मेरे को, काफी बेहतरीन वाला यहाँ पे फीलिंग्स आ रही है जो भी मैं ये देख रहा हूँ। तो गाइज देखो यार दोनों तरफ का आर्ट आप लोगों को कैसा लग रहा है ये कमेंट करके बताना, और फिर इसका लोकेशन जरूर बताना गाइज कमेंट में, क्योंकि देखो कल का वीडियो मैंने पोस्ट करा था ना उसमें आप लोगों ने नहीं बताया था, तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मतलब अंदर से होता है ना कि गाइज मतलब मैं आप लोगों के लिए, बट आप लोग नहीं बताया, बट चलो कोई बात नहीं यार, बता देना यार इस बार कहीं से भी बता दो यार, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ लोग कमेंट करके सही बता दे तो वो ज़्यादा सही होता है। हालाँकि देखो भाई का वीडियो पर ज़्यादा व्यू नहीं आता, बट कोई बात नहीं, आप लोग कोशिश करोगे तो व्यू आएगा गाइज। तो अभी देखो यार यहाँ का सीन क्या चल रहा है, चलो यहाँ तक देख लिए ना गाइस, अब सारे लोग समझ गए होंगे ये कहाँ का है। जब वहाँ पे नोएडा का दिखाया ना, अपने को लेफ्ट साइड नहीं मुड़ना था, क्योंकि अपने को सरे अली खान तरफ जाना है, तो अपने को इस टनल से निकलना है, डायरेक्ट आउटसाइड निकलना नोएडा की तरफ से। तो देखो अभी अपन लोग निकल चुके, यहाँ तक वीडियो देख लिए होगे वो तो कमेंट करके ज़रूर बता दोगे गाइज कि ये कहाँ का टनल था। तो चलो अभी अपन लोग बाहर निकलते और फिर बाहर का व्यू दिखाते गाइज आप लोगों को, किस तरीके का व्यू है नाइट का टाइम में, क्योंकि देखो आजकल मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, जो भी वीडियो बन रहा है वो नाइट का टाइम का ही वीडियो आ रहा है गाइज। तो अभी देखो अभी अपन लोग आउटसाइड होने वाले, और फिर कितना किलोमीटर लंबा है ना ये टनल, ये खुद कैलकुलेट करना गाइज, 60-70 का स्पीड में अपन लोग आए हैं, और फिर कितना टाइम हो गया आप लोग कैलकुलेट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना गाइज। सो फाइनली गाइज अपन लोग टनल से निकलने हुए काफ़ी टाइम हो चुका, और अभी अपन लोग घर की ओर जा रहे हैं, और फिर यहाँ से अपन लोग अक्षरधाम जाना है, तो अपने को लेफ्ट साइड थोड़ा सा टर्न लेना पड़ेगा और फिर अक्षरधाम की तरफ मुड़ना पड़ेगा और अपने को घर जाना पड़ेगा। बोले तो रात काफ़ी ज़्यादा हो रही है, 9-10 बज रहे हैं, और फिर इतना टाइम में अपने को घर में होना चाहिए गाइज, क्योंकि काफ़ी लेट नाइट बाहर रहना सही नहीं है। सो चलो आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट
ब्लॉग के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहना, और जितना हो सके गाइज उतना वीडियो को शेयर करना, और गाइज कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना, और भाई भाई का जो चैनल है ना उसको जितना हो सके उतना शेयर कर देना गाइज, क्योंकि अपन लोग सोच रहे यार 2K जल्दी से कंप्लीट हो जाए, तो कुछ स्पेशल सा अपन लोग करें, तो गाइज जल्दी से कंप्लीट करा दो बस।